ब्रिकल प्लेक्सिस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रिकल प्लेक्सिस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो। और जयपुर का फिजियोथेरेपिस्ट है, जयपुर का माना हुआ डॉक्टर है, और ऐसे लोगों को भी चोट लग सकती है और मेरे को भी चोट लग सकती है, किसी को भी चोट लग सकती है। ऐसे लोग जब हाई प्रोफाइल वाले होते हैं जिनको सारी ज्ञान होता है इंजरी का, ऐसे लोग ज़्यादातर अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवा पाते और सारे टाइम किसी उलझुल में लटके होते हैं। ये पता नहीं कैसे ठीक हो गया, उन सबसे फ़िल्टर होके हमसे ऑपरेशन करा लिया इसने। तो इनसे पूछते हैं इनको चोट कैसे लगी थी, उसमें किसकी गलती थी, वो तुम्हें गलती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इनको ऑपरेशन से पहले क्या परेशानी थी, ऑपरेशन कराने में क्या परेशानी थी, ऑपरेशन कराने के बाद क्या परेशानी थी, इसका इतनी जल्दी रिज़ल्ट क्यों आ गया, सिर्फ 3 महीने में इसका रिज़ल्ट आ गया, जो मैं खुद सरप्राइज हूँ, लेकिन भगवान ने मेरी इज्जत बचा ली। जयपुर का माना हुआ फिजियोथेरेपिस्ट है ये, तो लेट्स सी, इनसे पूछते हैं और इन सबसे सीख आप ले लो, क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, कुछ नॉर्मल इंसान नहीं है जिसका इतनी जल्दी रिजल्ट आना है। वो इससे जितने भी सीक्रेट हैं जिनको भी ब्रेकल प्लेक्सिस इंजरी है वो ये बता देगा। मैंने पकड़ लिया तो आराम से अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मेरा नाम शुभम सोनी है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं बेसिकली अभी मेरी फिजियोथेरेपी कंप्लीट हुई है और अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरी एग्ज़ाम के 2 महीने बाद में 18 जून को, जिसमें मैं बाइक वगैरह चला रहा था तो एक रॉन्ग साइड से बाइक को लाके सीधे मेरे अंदर घुस गया था, जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर उसके बाद में मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ जोमू, जिसमें मेरी रेडियस और अल्ना दोनों डैमेज हो गई थी, वो टूट गई थी। तो जिस टाइम पर मेरे को कैरी करके लेके जा रहे थे उस टाइम पर मेरे हाथ को थोड़ा मतलब खींच दिया था, जिस वजह से मेरी जो ब्रेकल फ्लेक्सेस है वो नर्व डैमेज हो गई थी। फिर उसके बाद में वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होने के बाद में से उन्होंने बोला कि थोड़ा हल्का फुल्का नर्व डैमेज है, जिस वजह से नर्व पतली हो गई है, आप इसकी कोई भी स्टेरॉयड टैबलेट्स आती है, उस टाइम पर डुबिनोर उन्होंने मेरे को स्टार्ट करी थी, तो मैंने 1.5 मंथ वो ली थी। उसके बाद में मेरे को कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला था। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सर्च वगैरह किया, सर्च वगैरह करने के बाद में अमित सर से मैं पहले इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी उसमें मैं मिला हुआ हूँ, तो मेरे को इनका थोड़ा रोन था, तो मैंने यूट्यूब पे भी इनको देखा था, तो फिर वहाँ से मैंने इनके नंबर लिए, फिर उसके बाद इनसे कॉन्टैक्ट किया, फिर इनसे मैंने डेट फिक्स करी, फिर उसके बाद में मैं इनसे मिला। फर्स्ट टाइम मिलने के बाद में सर ने मेरे को 3 मंथ का टाइम दिया था। फिर उसके बाद में मैं 1 मंथ आफ्टर मैं वापस आया, मैंने सर से बोला कि सर आपने 3 मंथ का टाइम दिया, 3 मंथ बाद में मेरे को ऑपरेशन करवाना है, तो क्या ये काम अभी अपन कर सकते हैं? मैं कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरे को करवाना है तो तू करवा ले। फिर सर से मैंने डेट ली, फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होकर सर ने ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद 1.5 मंथ आफ्टर मेरा प्लास्टर जो भी मेरी पट्टी वगैरह थी सब कुछ खुल गई, ऑपरेशन ये जो मेरे जितने भी टाँके वगैरह स्टिचेस वगैरह थे सब खुल गए। फिर उसके बाद में 1.5 मंथ इनने से आके फिर उसके बाद 6 मंथ का इनने मेरे को टाइम दिया कि 6 महीने बाद में अपन देखते क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। फिर मैं अभी 2 महीने बाद आया हूँ तो सर ने अभी देखा, इनको रोटेशंस वगैरह सब करके दिखाए, तो सर बोले अच्छा ट्रीटमेंट मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो ऑल ऑफ थैंक्स फॉर अमित मित्तल सर कि इन्होंने मेरा इतना अच्छा ऑपरेशन किया, दैट्स ऑल। अच्छा अब ये बताओ, जैसे तुम्हें मैंने कितने टाइम में ऑपरेशन के जाने से पहले तुम्हें डर लग रहा था क्या, और ऑपरेशन के बाद तुम्हें जब घर चले गए थे कोई दिक्कत हुई थी, कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी, और तुमने जो इतनी जल्दी हाथ मोड़ो जरा, जो इतना मोड़ कर लाए हो, इसके लिए तुमने क्या मतलब तुम किसको श्रेय देते हो मेरे अलावा? सर आपके अलावा तो डर लग रहा होता क्या? नहीं, ऑपरेशन से पहले मेरे को कोई डर नहीं था, और भाई ये था कि चलो हो क्या होगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, फिर इनने मेरे को समझाया कि एक तरीके से पॉजिटिव वे में लेके चल तो सब कुछ अच्छा होगा। और फिर उसके बाद में रिजल्ट लेने के बाद सर ने बोला बेसिकली एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर, तो फर्स्ट जो वीक था फर्स्ट एंड सेकेंड वीक नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करता था थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद में थोड़ा रोटेशन एक्सरसाइज स्टार्ट की मैंने, फिर उसके बाद में थोड़ा अच्छा रिजल्ट आने लगा। फिर मैंने हैंड्स की फ्लेक्शन एक्सटेंशन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की, उससे मेरा मतलब एंटी ग्रेविटी लो के अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन ग्रेविटी बेसिस पर जिसमें हम लाइंग पोजीशन में जस्ट लेट के करते हैं उसमें मेरा हाथ पूरा फ्लेक्शन में आराम से पूरा 90 डिग्री तक चल जाता है, 180 भी पहुँच जाता है मिनिमम। अच्छा भाई बताओ तुम अब जो नॉर्मल काम है जो भी पढ़ने का देखने का जाने का वो कब से स्टार्ट कर दोगे? बेसिकली अगले मंथ से जनवरी। बाइक वाइक चलाना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, बाइक का तो अभी थोड़ा डर ही रहेगा क्योंकि एक्सीडेंट। कोई डरना नहीं, चलाना है बाइक वाइक सब चलानी है, ठीक है, अब धीरे चलानी है, चाहे कार चलाना है चाहे कैब से जाना, किसी चीज़ में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फोबिया तो हमेशा मेंटल फोबिया हर काम को रोक देगा नहीं तो। नमस्ते सर, कन्फ्यूजन बताओ सर जी, मेरे से मिलने के बाद क्या कन्फ्यूजन थे, थोड़े पास में आ जाओ सर। आपने जैसे इसने तो मुझे जानता था इसलिए ऑपरेशन करा लिया, आपको तो मेरे ऊपर 10 कन्फ्यूजन होंगे, इस डॉक्टर चुन्नू राम से पतला सा डॉक्टर यंग सा डॉक्टर इससे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ऐसा लगता था नहीं लगता था, सच्ची बताना सर। जब फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो आपने सिर्फ मोटिव एक ही
चीज़ से किया था कि सर जी दुनिया बहुत बड़ी है, आप चाहे जहाँ ऑपरेट करवाइएगा, पर ये याद रखिएगा कि ऑपरेट करने वाला एक स्पेशलिस्ट हो, कि वो बंदा अगर स्पेशलिस्ट होगा तो वो आपके बच्चे को जहाँ से जीरो वो हुआ है वहाँ से वापस 100 तक लेके आ सकेगा। ये बोला था मैंने, ये आपने बोला था सर। अच्छा, मेरी मेमोरी इतनी थोड़ी ठीक है। ओके, तो बस वही चीज़ मैंने देखी थी, उसके बाद में मैं पलट के नहीं देखा था किधर। हाँ। क्योंकि किसी में अगर खुद पे कॉन्फिडेंस होता है वही ऐसी बात कर सकता है, अनदर वर आँखों में आग डाल के कहना बहुत मुश्किल होता है सर। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, तो भाई मैंने इनके द्वारा ये बताया है कि दोनों ही फाइटर हैं, ये किडनी ट्रांसप्लांट वाले, ये ब्रेकियल ब्लेसिस वाले, वो भी एंड स्टेज होती है, ये भी एंड स्टेज होती है, ये भी फाइट करके जीत के आए हैं, इसीलिए इनके अंदर भी वही खून है, इसलिए ये भी जीत गया है। दोनों में डिफरेंसेस इसलिए हैं क्योंकि जनरेशन गैप है, लेकिन ये जनरेशन गैप हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन कोई जनरेशन गैप नहीं है, जैसे आई लव यू बोलने का तरीका अलग है, अदरवाइज कोई गैप नहीं है। तो और भूल जाओ सब, और हमसे डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको शायद एक बात इसने बताई नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये 40 किलोमीटर कार खुद चला के लाया है। मैं, हाँ मैं नहीं चला के लाया, तो अच्छा है ना, और पहले से चला रहा है, तो अच्छी चीज़ है। तो मैं बताऊँ, बाइक भी चलाता है ऐसा, एक थोड़ा डर रहता है, चलाता नहीं हूँ मैं बाइक, मैं दूर रखता हूँ बाइक को, दूर रहा है। स्कूटी जैसे घर के अंदर चढ़ाना है उतारना है करता है ये, तो ये अच्छी चीज़ है, शायद उसने इसको जल्दी करंट दिया उसको इसमें। गुड है भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर गुड रिव्यू। ठीक है भाई।